Assalamu alaikum, viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely Israel at 75 by Muhammad Ali Siddiqui. इसराइल एट सेवेंटी फाइव इसका नाम इसलिए है क्योंकि uh, इसकी एनिवर्सरी हो चुकी है इसराइल की ठीक है पिछहत्तर साल इसको हो चुके हैं और इस ओपिनियन uh, में हम बेसिकली हम ये देखेंगे कि अरब कंट्रीज यूएस यूरोपियन कंट्रीज का क्या किरदार रहा है इसराइल के अंदर जो आप देख सकते हैं इसराइल के जो मुजालिम चल रहे हैं फलस्तीन के खिलाफ ठीक है उस हवाले से आपको देखने को मिलेगा और अब साथ ही साथ रिसेंटली अगर हम बात करें तो चाइना की किस तरह से इंफ्लुएंस बढ़ता जा रहा है मिडल ईस्ट में ठीक है सऊदी और इस तरीके से जो अरब कंट्रीज हैं उनकी तरफ तो इसके हवाले से हम इसको स्टार्ट करते हैं अब्दुल अजीज अजीज बिन साद हैज़ बीन एक्सटेंसिवली कोटेड फ्रॉम हिज मैराथन टॉक्स विद अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल ड्यूरिंग इन मीटिंग इन 1945 ऑन बोर्ड यूएस क्रूजर क्वेंसी इन द दुईस कैनाल सोइस केनाल में अब्दुल अजीज बिन साद जो थे ठीक है उन्होंने अमेरिकन प्रेजिडेंट रोजवेल से नाइनटीन में एक मैराथन टॉक्स जो है वो की थी

ऑयल के हवाले से वो किस तरीके से उनके लिए एक मेजर कंसर्न रखते हैं एंड अब्दुल अजीज दिस टेस्ट फॉर डिसिम्युलेशन लेकिन अब्दुल अजीज को ये चीज पसंद ना आई ही फाउंड द मिनार टू बी एन एग्रीएबल इंटरलोकेटर ट्रस्टवर्दी एंड इजी गोइंग ठीक है और उसने ये इनको क्या पाया रोजवेल्ट uh, uh, ने एक एग्रीएबल इंटरलोकेटर इनको पाया ब्रिटेन वॉज ऑल्सो इन द ऑयल रेस साथ ही साथ उस वक्त जैसे अमेरिका की बात की तो उसी टाइम पर ब्रिटेन भी जो था वो भी ऑयल रेस में था ठीक है एंड चर्चिल और वहां का कौन था उस वक्त हेड कौन था चर्चल थार कंडीशन रोल रॉयसिगेटरी प्रेयर्स ठीक है और उसने क्या प्रेजेंट किया चर्चल ने प्रेजेंट किया अरब कंट्रीज को जो है वो रोल रॉयस प्रेजेंट किया ठीक है जिसमे उसने ये भी बताया कि वहां पर ओब्लीगेटरी प्रेयर्स के लिए भी एक जगह मौजूद है ठीक है वो एक टैंक था वाटर टैंक ठीक है हाउ एवर अब्दुल अजीज हैड मेड अप हिज माइंड फिर क्या हुआ ताहम अब्दुल अजीज ने अपना दिमाग बनाया ठीक है माइंड बनाया इट वॉज द यू एस ही वुड सेटल फॉर लेकिन वो यूएस था ठीक है जिसके लिए वो उसने अपना दिमाग बनाया अब्दुल अजीज किसकी तरफ टिल्ट हो गया यूएस की तरफ रोजवेल्ट वाज डिलाइटेड एंड थॉट इट वाज टाइम टू टेक अप अ सब्जेक्ट दैट हैज बीन अ यूएस ऑब्सेशन विदाउट विच नो अमेरिकन वुड बी इन कांग्रेस मच लेस इन द व्हाइट हाउस फिर रोजवेल्ट ने सोचा ठीक है उसको ने ये डिलाईट किया ये डिलाईटेड हुआ वो कि अब एक ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जो है मुझे उठना चाहिए इस मुद्दा उठाना चाहिए ठीक है जिसके वजह जिसके हवाले से यूएस जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्शेस्ट रहा है हमेशा से ठीक है तो ही फाइनली रेज द इशू ऑफ फलस्तीन एंड द जियोनिस्ट एम फॉर जूस स्टेट इन द होली लैंड ठीक है साथ ही साथ उसने क्या उठाया ये मुद्दा उठाया कि फलस्तीन का इशू उठाया कि जो जूस जो जु है वो स्टेट में रह रहे हैं Uh, जो होली लैंड uh, है ठीक है अः यहाँ पर बात हो रही है अब यहाँ पे किसने मुद्दा उठाया यहाँ पर ये बेसिकली अब्दुल अजीज ने उठाया है ठीक है मुद्दा क्योंकि अब यहाँ पर वो देख रहा है रोज वर्ल्ड का जो है वो उनके तरफ टिल्ट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है इस वजह से उसने जो है वो अब्दुल अजीज ने अः फलस्तीन का जो है वो मुद्दा यहाँ पर उठाया है कि जूश जो उन्हें यहाँ पर जो कब्जा किया हुआ है उस हवाले से क्या कहना है अमेरिका का सडनली टू रोज वर्ल्ड एस्टोनिशमेंट अब्दुल अजीज वॉज अ चेंज Man. क्या हुआ अचानक से रोज astonishment हुई ठीक तो है और वो still जो है वो courteous था और उसके शक्ल पर जो है वो बिल्कुल भी गुस्सा था but he told the American president लेकिन अब्दुल अजीज American president को कहता है जूस ऑफ यूरोप के अरब के लोगों ने जूस ऑफ यूरोप को क्या इंजरी दी है इट इज द क्रिश्चियन जर्मन स्टोल देयर होम्स एंड लाइव ये तो वो क्रिस्चियन जर्मन ही थे जिन्होंने उनके होम्स और लाइव्स को छीना लेट द जर्मन पे अब पे भी जर्मन सी करेंगे नियरली एटी ईयरस आफ्टर अब्दुल अजीज स्पोक द ऑब्वियस ट्रुथ नियरली तकरीबन अस्सी साल जो है उसके बाद अब्दुल अजीज ने ये ऑब्वियस ट्रुथ जो है उसको बोला था नो अरब लीडर ठीक है जो कोई और अरब लीडर ना कर सका इंक्लूडिंग अब्दुल अजीज प्रोजनी करेज टू स्पीक द द्रूथ देअर किंगडम फ्लेबर ठीक है और जो है वो प्रोजेक् क्या है औलाद को कह रहे हैं ठीक है यानी कि उसके अपने बच्चे भी इस तरह नहीं कर सकते थे जिस तरह से अब्दुल अजीज ने एक किंगडम फाउंडर होने के नाते जो है इस चीज को व्हाइट हाउस के सामने रखा विल द अरब्स रिड्यूस रिड्यूसल्व टू अफ अंडर पैक्स जोनिका अब यहाँ पर आइटर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अरब्स अपनी लाइफ जो है वो पैक्स जोनिका के अंडर ही रहकर रह गुजार देंगे ट्रू

ठीक है अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो अरब शेख थे उनका जो सरेंडर है इन रिटर्न फॉर नॉट इवन अ सिंबॉलिक जेस्टर ना था रेसिप्रोसिटी का लीडरशिप के लिए इन डिप्लोमेसी द सक्सेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोचमेंट रिक्वायर्स गिव एंड टेक ठीक है डिप्लोमेसी में क्या होता है उसकी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी uh, के लिए यही होता है कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोचमेंट होती है जो कि गिव एंड टेक को मानती मांगती है ठीक है रिक्वायर उसको यही होती है गिव एंड टेक मे बी द स्केल ऑफ गिव इज नॉट कमेंट ठीक है कमेंजूरेट होता है आहंग ठीक है जो स्केल है वो हम हमाह नहीं है कौन सा स्केल जो है गिफ्ट का ठीक है टेक के साथ विद द टेक बट इट इज देयर इफ द डिटेंटे इज टू सक्सीड लेकिन ये तब होता है जब डिटेंटे जो है वो सक्सीड करता है ठीक है डिटेंटे क्या होता है बेसिकली कॉपरेशन को कहा जाता है ठीक है अनवर सात दस्ट इजिप्टियन इन मॉडर्न हिस्ट्रीटी वेन ही रिकोगनाइज इसराइल अब यहाँ पर बता रहे अनवर सादात को जो की ग्रेटेस्ट इजिप्टियन था मॉडर्न हिस्ट्री में ठीक है आपको बता रहे की किस तरीके से उसने रिकोगनाइज किया इसराइल को इन एक्सचेंज फॉर रिटर्न ऑफ द सिनाई टू इजिप्टियन सवर्निटी के सिनाई को इजिप्टियन सवर्निटी का हिस्सा बना दिया जाए ठीक है उसने इस इस तरह करके इसराइल को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया व्हाट हैव द गेन्ड इन रिटर्न रिटर्न तो ने में क्या पाया फॉर वट सर्विलिटी टू इसराइल इसराइल की तरफ से एक एबजेक्ट सर्विलिटी ही पाई नाउ आर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस अब यहाँ पर जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस है ज्वाइंट हु इज द एनिमी एनिमी कौन है ईरान वो क्वेश्चन कर रहे हैं ईरान देन यस फिर कहते हैं हाँ द इसराइलीज कैन ट्रूली रिज्वाइज ऑन द सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ दिस कंट्रीज क्रिएशन आउट ऑफ द लैंड दैट डेंट बिलोंग टू देम अब इसराइली जो है वो पिछहत्तरवीं एनिवर्सरी मना रहे हैं अपनी कंट्री की क्रिएशन की जो कि उनसे तो बेसिकली बिलोंग करती ही नहीं है

का जो है वो कंसिडर करते हैं नो वॉन्डर इन अल्यूशन लाइक दिस एंड इसराइली मिनिस्टर शुड डिनाई द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द फेलेस्तीनियन नेशन इसमें कोई वॉन्डर की बात नहीं इस सिचुएशन को देखते हुए कि मिनिस्टर कर रहा है फलस्तीन की नेशन की एग्जिस्टेंस की के वो कहता है कि इनकी तो एग्जिस्टेंस सी ही नहीं कभी स्पीकिंग एट अ कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस इन फ्रांस फ्रांस वो में के दौरान क्या कहता है इसराइली फाइनसलेट देयर वाज नो फलस्तियन हिस्ट्री और कल्चर वो कहता है इसराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर वो कहता है कि फलस्तीनियो का तो कोई हिस्ट्री या कोई कल्चर ही नहीं है एंड नो सच थिंक एज अ फलस्तीनियन पीपल और इस तरह की कोई चीज जो है वो बिलोंग नहीं करती फलस्तीनियन से

ठीक है यहाँ पर आपको उनकी एक क्रुएलिटी uh, नजर आ रही है व्हाट द द फ्यूचर ऑफ़ अरब वर्ल्ड तो अब क्वेश्चन क्या होगा क्या जो शेकडम्स है वो रिड्यूस कर लेंगे अपने आप को ठीक है टू अ लाइफ ऑफ गारंटी कि उनको उस तरह से की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होगी किसके अंडर जियोनिका के द मिडल ईस्ट ट्रांजिटेड फ्रॉम अ ब्रिटिश French uh, condominium uh, after World War One to American hegemony after worldwide. ठीक है अब यहां आपको नजर आ रहा है कि पहले ब्रिटिश फ्रेंच थे ठीक है वर्ल्ड वॉर तक उसके बाद जो है किसकी कायम हो जाती है अमेरिका की वर्ल्ड वॉर टू के बाद रिसेंटली और अगर हम बात करें तो हाउ द सऊदी रिप्रोचमेंट अब आपको जो सऊदी ईरानी रिप्रोचमेंट नजर आई है कि किस तरीके से अ न्यू पावर इज कास्टिंग इट्स शेडो ओवर द मिडल ईस्ट के एक नई पावर ने जन्म लिया है एक नई पावर शेडो करके आई है मिडल ईस्ट की तरफ उस पावर का क्या नाम है चाइना नाम है जिसने सऊदी और ईरान के दरमियान जो है वो टाइज करवाए हैं ठीक है थीके? अब पहले उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में पहले ब्रिटिश रहा उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है वो अमेरिका की अजमनी कायम हो गई और अब एक नई पावर आई है जो कि मिडल ईस्ट में चाइना आई है दस चाइना फैक्टर इज अनप्रेसिडेंटेड इन मिडल ईस्टर्न हिस्ट्री अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल है चाइना का फैक्टर मिडल ईस्ट में हमें बेमिसाल हिस्ट्री जो है देखने को मिल रही है तो पावर जो है ना यूरोपियन वेस्टर्न की है ठीक है जो नजर आ रही है रीजन में स्पेशली इन द ब्लड लेवन ठीक है यहाँ पर उन्होंने आपको एक हिस्टोरिकल हवाला भी दे दिया है ठीक है जो खून की सरजमीन के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है द चाइनीज है सिविलाईजेशन दैट

सिल्क सिल्क रूट रूट और यहाँ पर लेजेंडरी की की तरफ छाने अपना जो जो है वो वो करना की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो इस तरह से किस्म का एरिया को ले लेंगे capture कर लेंगे, तो इस तरीके से वो अपनी एक फिलोसफी जो है वो डिवेलप करेंगे वन दैट गड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल लाइफ ठीक है और जो के गर्न करेगी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव इंडिविजुअल लाइफ को ठीक है करती है